हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज सुनील इंदौरा। आई एम वर्किंग एज लेक्चरर मैकेनिकल एट एसजीबी गवर्नमेंट मॉडर्न कॉलेज भरतपुर। आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, जो कि सब्जेक्ट कोड ME208 के चैप्टर 2 का एक पार्ट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है। इसके हिसाब से एनर्जी को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसको बना देते हैं। एनर्जी को केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। द सेकेंड लॉ, वी कॉल इट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट्स बेसिकली लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही इसको नष्ट कर सकते हैं, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स द क्यू विच इज हीट इनपुट टू सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इन वर्क एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेयर क्यू इज द हीट इनपुट टू द सिस्टम, डब्ल्यू इज द वर्क ऑफ सिस्टम एंड यू इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो दिस हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन टू वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। सो वॉट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? वी कैन कन्वर्ट हीट इन टू वर्क एंड वाइस वर्सा, वर्क इन टू हीट। हीट और वर्क दोनों एनर्जी के ही फॉर्म है, इंटरचेंजेबल फॉर्म है। वी कैन कन्वर्ट हीट इन टू द वर्क एंड वर्क इन टू हीट। इसका मतलब है कि परपेचुअल मोशन मशीन PMM1 ऑफ फर्स्ट टाइप इज नॉट पॉसिबल। मीन्स हम ऐसा कोई भी मशीन नहीं बना सकते जिसमें कि बिना हीट दिए हम उससे वर्क ले सकें, या हम ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते जिसमें कि हम बिना कोई वर्क दिए हम उससे हीट इनपुट प्राप्त कर सकें। सो ये पॉसिबल नहीं है। हमें कोई वर्क चाहिए तो उसके लिए हीट की जरूरत पड़ेगी, और अगर हमें हीट चाहिए तो उसके लिए हमें वर्क देना ही पड़ेगा। सो PMM1 इज नॉट पॉसिबल। अब हम देखते हैं कि एनर्जी कितने तरह की होती है। तो पहला है इंटरनल एनर्जी। बेसिकली एनर्जी कैन बी इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, डेट इज वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डेट आर इन ट्रांजिट। एंड द सेकेंड एनर्जी कैन बी ऑफ एनर्जी इन स्टोरेज। सो देर आर टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन ट्रांजिट एंड एनर्जी इन स्टोरेज। वर्क एंड हीट आर एनर्जी इन ट्रांजिट, वाइल इंटरनल एनर्जी इज हीट इन स्टोरेज, एनर्जी इन स्टोरेज। तो अब हम देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इन स्टोरेज है एंड फॉर एनी आइडियल गैस। इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इंटरनल एनर्जी मॉलिकुलर वाइब्रेशन के कारण, मॉलिकुलर मूवमेंट के कारण होती है। इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज एंड देयर मूवमेंट, रोटेशनल वाइब्रेशन एटसेट्रा। एंड फॉर आइडियल गैस इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। सो दिस इज द इंटरनल एनर्जी। नाउ सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, विच इज बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके मूवमेंट के कारण जो एनर्जी हमें मिलती है, डेट वी कॉल एज काइनेटिक एनर्जी। एंड इट कैन बी एक्सप्रेस एज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड वी इज इट्स वेलोसिटी। सो वी कैन एस्टिमेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हाफ एम वी स्क्वायर। द थर्ड एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द इट्स पोजिशनल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल।
its gravitational energy, and it is due to the particle position, and it can be expressed as potential energy equal to mgz. G is the gravitational force, z is its position. So by using this formula we can calculate potential energy as m, g and z. It is due to its position and its gravitational energy. So from these formulas expression we can estimate the energy of the system. In next lecture we will discuss about the work, because we know that from first law the heat is converted into work and internal energy of the system. So internal energy we can calculate using the function of its function of temperature, and the second is the work. So we have to find out the work, we have to develop some expressions, and using this equation Q equal to W plus U we can estimate the work output or heat input to the system or change in internal energy of the system, and consequently the properties of the system from one stage to second stage. Thanks.